हाय, दिस इज अमित राजपूत। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, जिसका अप्लाई ऑनलाइन मार्च अप्रैल में हो चुका था, लेकिन फिर से ये एप्लीकेशन रीओपन हुआ है और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी वैकेंसी भी इंक्रीज हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन के बारे में, जिसका भर्ती जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2024, और एडवर्टाइज नंबर जो है वो CEN2/2024 है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो इसका अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2024 को, और इसका जो लास्ट डेट था अप्लाई ऑनलाइन का वो था 8 अप्रैल 2024 को, और जो एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का लास्ट डेट था वो 8 अप्रैल 2024 को था, लेकिन करेक्शन और मॉडिफिकेशन के बाद ये पूरी तरह से बंद हो गया था, यानी कि अब आपका एडमिट कार्ड आने वाला था, लेकिन यहाँ पे एजेंसी जो भी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, यानी कि 22 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी इंक्रीज हो गई। उसके बाद फिर से ये अप्लीकेशन जो है रीओपन कर दिया गया है, और जो अप्लाई ऑनलाइन का डेट है वो 2 से 16 अक्टूबर 2024 तक कर दिया गया है, यानी कि आप 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इसको फिर से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें पोस्ट लगभग 14,200 के लगभग है, और आगे जो यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फी आपका लगने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, उसके बाद जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये लगने वाले हैं, उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद आफ्टर अपेयर द स्टेज वन एग्जाम, यदि आप पहला एग्जाम यानी कि प्री आप दे देते हो और मेंस के देने के लिए आप जाते हो, तो वहाँ पे आपका ये 500 में से रिटर्न हो जाएगा 400। जी हाँ, 500 में से 400 रिटर्न हो जाएगा जो भी 500 से फॉर्म भरे, यानी कि आप फर्स्ट एग्जाम यानी कि प्री एग्जाम देते हो तब। उसके बाद एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए टोटल 250 के 250 रिफंड होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट, जो कि 1 जुलाई 2024 से लिया गया है। मिनिमम एज रहना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और मैक्सिमम एज 36 साल है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए रखा गया है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो आप जाके पीडीएफ पढ़ सकते हो, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, CEN2/2024 वैकेंसी रूल्स के अनुसार। उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स टोटल करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है वहाँ पे 1092 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पे बैचलर डिग्री मंगा गया है, यानी कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक कर रखे हो, तो इस टाइप से आप कोई भी संकाय से कर रखे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तब आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद है टेक्निकल ग्रेड 3 ओपन लाइन, यहाँ पे 8052 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि 10th विथ ITI जो कि NCVT से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो वहाँ से ITI होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल 8052 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है वर्कशॉप एंड PUS के लिए 5154 पोस्ट रखे हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड पे हैं, जिसमें भी ITI उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यही वैकेंसी डिटेल्स थी, रीओपन हो चुका है, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिर से भर सकते हो। बस इतना ही जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाइए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।